नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके और आपके अपने यूट्यूब चैनल कैसे बने करोड़पति पे। दोस्तों आप हैरान होंगे शायद कि मेरे कुछ वीडियोस लगातार आए थे, उसके बाद काफी दिनों से कोई वीडियो नहीं आया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जिसकी एक वजह थी कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरा गला बैठ गया था और मैं कुछ टाइम पे मैं ट्रेवल भी कर रहा था, इसलिए मैं कुछ वीडियोस नहीं बना पाया। तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। तो आज का जो वीडियो हम टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, एक आग उगलता टॉपिक है जो आज की डेट में बहुत लोगों के दिमाग में टॉपिक चल रहा है कि अब निफ्टी में क्या होने वाला है, बाजार का क्या होने वाला है। बाजार ने अपने जो पुराने लो थे 9950 के आसपास के जो लो लगाया था निफ्टी में, वहां से बाजार 10800, सिंगापुर निफ्टी की बात करें तो 842 तक उसने कल हाई लगा दिया 11 मई को। अब देखो दोस्तों, लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ पे पोजीशंस को कैसे बिल्डअप किया जाए, यहाँ पे पोजीशंस लॉन्ग की जाए या शॉर्ट बिल्डअप की जाए। दोस्तों इससे आगे बढ़ने से पहले पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य खाली आपके साथ ज्ञान बांटना है, आपके साथ डिस्कस करना है, अपने आइडियाज आपके सामने रखने का है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप मेरे ही कही चीजों पे अमल करें। आपका ज्ञान है, आपकी इच्छा है, आपके पास सभी टूल्स अवेलेबल हैं, आपके पास गूगल अवेलेबल है, आपके पास अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। आप उनसे पूछिए, उनसे डिस्कस कीजिए, उसके बाद पोजीशंस लीजिए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं अपनी बातों को आपके ऊपर थोपना चाहता हूँ। ये आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, जैसे आप जीना चाहे जी सकते हैं। तो डिस्क्लेमर के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज का। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और रहेगी, हम्बल रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, यदि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही टॉपिक्स पे वीडियो दे पा रहा हूँ या सही टॉपिक्स पे आपके साथ कुछ डिस्कशंस कर पा रहा हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है और उसको प्रेस करना ना भूलें, और उसके साथ में ही एक बिल्कुल बेल आइकन दिया है जिसको आप प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपकी ऑन हो जाएंगी और आप ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास सभी की सभी वीडियोस टाइम पे सबसे पहले आपके पास नोटिफाई हो सके, ताकि आप उन वीडियोस को टाइम से देख सकें। तो दोस्तों और आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं आप उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर शेयर करेंगे तो मेरे लिए और भी अच्छा होगा, हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों अगर आज से मैंने इस वीडियो में अपने मोबाइल नंबर्स भी ऐड कर दिए, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे बाजार को लेके अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर्स मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, दोनों आप नंबर्स देख सकते हैं। मेरी दोनों ईमेल आईडीज भी मैंने सामने रखी है, अगर आप बात नहीं कर सकते हैं, अगर आप कोई इशू पे या किसी स्टॉक पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं, खाली एडवाइस होगी दोस्तों, मैं बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपकी लाइफ है, आपका ट्रेड है, आपको लेना है अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से, तो आप मेरी मेल पे मुझे आप मेल कर सकते हैं, मैं जैसे ही उस टाइम मिलेगा मैं सभी मेल्स का रिप्लाई भी करूंगा। तो दोस्तों आज का सबसे हॉट टॉपिक क्या है कि दोस्तों आज 12 मई में हम बैठे हुए हैं और सुबह से कर्नाटका में इलेक्शन चल रहे हैं। कर्नाटका जो राज्य है एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अभी तक जो वर्तमानकालीन सरकार है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, उसकी वहां पे कोई बैठ नहीं है, वहां पे अभी फिलहाल कांग्रेस की गवर्नमेंट है। कर्नाटका का एक इतिहास ये भी रहा है कि वहां हमेशा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर प्ले करता है कि एक टाइम तक बीजेपी रहती है, एक टाइम के बाद फिर सरकार बदल जाती है, कांग्रेस आ जाती है, फिर कोई और सरकार आती है, तो वहां का जो पब्लिक है वो कभी भी 5 साल से ज्यादा किसी सरकार को मैंडेट नहीं देता है। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, देखिए शायद बाजार इन्हीं अपेक्षाओं पे कितना तेजी से पिछले अगर 10 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो बाजार कहां से कहां आ गया है। शायद बाजार ये अनुमान लगा रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रोल प्ले करेगा और कांग्रेस गवर्नमेंट वहां से हटा दी जाएगी पब्लिक के द्वारा, और पब्लिक इस बार कांग्रेस की बजाय बीजेपी गवर्नमेंट को चुनेगी। दोस्तों ये सिर्फ अटकलें हैं, अटकलों पे ही सारा बाजार रहता है। मैं भी कुछ एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था, कुछ डेटा मेरे सामने आया, आप देखेंगे उस डेटा को तो आप हैरान हो जाएंगे डेटा क्या है, पर उस डेटा को आपके सामने रखने से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि एक्चुअल में कर्नाटक हमारी पॉलिटिक्स में इस गवर्नमेंट के लिए क्या रोल रखता है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हमें कर्नाटका पॉलिटिक्स में समझ में आ गया तो शायद हम इस बाजार को रिलेट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों कोई भी स्टेट इलेक्शन जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसमें बहुत बड़ी बड़ी हलचल होती है बाजार में, उस हलचल को कैसे टैकल किया जाए हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, उस पर भी टिप्पणी की जा सकती है, उस पर भी फोरम बनाया जा सकता है, ठीक है। बट अभी आज के लिए हॉटेस्ट टॉपिक जो है आज का 12 मई में आज बैठे हुए, आज इलेक्शन चल रहा है, अपने आप टेलीविजन पे न्यूज चैनल पे देख सकते हैं कि सुबह 11 बजे तक 20-22% वोटिंग हो चुकी थी। और दोस्तों कर्नाटका FDI, बेंगलोर कर्नाटका जो है FDI का बहुत बड़ा क्या कहते हैं बेनिफिशियरी है, मेजर FDI इन्वेस्टमेंट कर्नाटका में आती है, ठीक है, IT सिटी बेंगलोर वहीं उसको जाना जाता है। तो दोस्तों कर्नाटका हमारी पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करता है, चलिए आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कर्नाटका इलेक्शन को बहुत सारे दिग्गज जो हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो पैनल्स पे बैठे रहते हैं, जो टीवी पे आते हैं, एनालिस्ट एनालिसिस करते हैं, वो सब इसको एक किस्म से सेमीफाइनल
2019 के जनरल इलेक्शन से पहले का सेमीफाइनल देख रहे हैं। जैसे क्रिकेट में फाइनल मैच से पहले एक सेमीफाइनल होता है जहां दो दिग्गज टीमें भिड़ती हैं, उसके बाद चार दिग्गज टीमें भिड़ती हैं सेमीफाइनल में, उसके बाद जाके फाइनल होता है। तो यहां पे जो दिग्गज टीमें भिड़ रही हैं कर्नाटक इलेक्शन में वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिसकी तत्कालीन सरकार सेंटर में है, कांग्रेस जिसकी वहां पे अभी सरकार है उस राज्य में, और जनता दल। तीन ऐसे मेजर प्लेयर हैं जिनके बीच में फाइट होगी, जबकि कड़ी फाइट कही जा रही है बीजेपी और कांग्रेस के। अब देखिए लोकसभा में कर्नाटक अकेला राज्य ऐसा है जहां से 28 सीट आती है, और राज्यसभा में कर्नाटक से 12 सीट मिलती है। 12 सीट राज्यसभा के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, आज की सरकार जो जो भी सेंटर में गवर्नमेंट होती है, अगर उसके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मेजोरिटी उसके पास होती है, थंपिंग मेजोरिटी उसके पास हो, तो वो सरकार लोकसभा से जो बिल पास करा के राज्यसभा में भेजती है उन पे कानून बनाए जाते हैं। और कोई भी सरकार तभी मजबूत होती है जब वो कानून बनाने की हैसियत में होती है, उस ताकत में होती है कि वो अगर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहे किसी देश की किसी चीज के लिए, तो वो कानून जब तक नहीं बनेगा वो चीज पूरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। तो कानून बनाने के लिए जहां अभी बीजेपी को बहुमत की आवश्यकता है राज्यसभा में, उसके लिहाज से कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही क्योंकि अब एक साल मुश्किल से बचा है 2019 के जनरल इलेक्शन के लिए, तो जो FIs हैं, जो FDIs हैं, वो नजर गड़ा के बैठे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बिहेव करने वाली है, क्या उनका जो करिश्मा है, जो मोदी साहब का करिश्मा है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो करिश्मा अभी तक चलता आ रहा है, जिसके बेस पे उन्होंने इतनी फॉरेन मीटिंग्स की हैं, इतने बायलेटरल रिलेशनशिप्स उन्होंने अच्छा किया है, जगह जगह वो जा रहे हैं, लोगों ने उनका मजाक भी बनाना शुरू कर दिया कि वो तो इंडिया में टिकते ही नहीं है, बट अगर इकोनॉमिक लिहाज से देखा जाए तो वो जो चीजें हो रही हैं, शायद हमारे FDIs को लेके आना, हमारे देश में बहुत सारा पैसा आना, बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं भी हो सकते हैं दोस्तों, पर मैं उनका कुछ नहीं कहता हूँ, ये आपकी लाइफ है, मैंने आपको पहले कहा है, आप जैसे समझना चाहे, मैं मेरा ये चैनल बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है, मैं बीजेपी को या कांग्रेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मेरा बिल्कुल भी पर्पज नहीं है। बट हाँ, अगर मैं इकोनॉमिक लिहाज से देखूँ, देखिए शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट एक्चुअल में इकोनॉमी का आईना है, आप माने या ना माने, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, आपकी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, आपका इन्फ्लेशन सही होता है, आपकी ग्रोथ स्टोरी सही होती है, तो आप मान के चलिए कि जो आपका शेयर बाजार उसका आईना है और बिल्कुल पैरेलली वैसे ही पॉजिटिव बिहेव करता है। अगर ये सब चीजें खराब हो जाती है तो शेयर मार्केट अंधेरे में गिर जाता है। तो शेयर मार्केट को बिल्कुल भी आप जुआ सट्टा ना समझे, कि जुआ सट्टा उन लोगों के लिए जिनको शेयर मार्केट नहीं आती है। अगर सपोज किसी आप खाना बनाने का काम करना चाहते हैं और आपको खाना बनाने का नहीं करना आता है, तो आपके लिए खाना बनाने का काम जुआ है। तो इसलिए जिन एक्सपर्ट्स को शेयर मार्केट आती है उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट है, एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और एक मौका है, और जिन लोगों को नहीं आती है उन लोगों के लिए जुआ है। तो जो लोग जुआ समझते हैं वो दूर रहे, जो लोग इसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझते हैं वो इस वीडियो को आगे ध्यान तक देखते रहें। और दोस्तों देखिए वीडियो को बीच में आप रोक सकते हैं अगर आपको लगता है वीडियो लंबा है, बट अगर आप वीडियो के अंत तक जाएंगे तो आज इस वीडियो में इतना जबरदस्त डेटा हम शेयर करने वाले हैं जिससे आपको 15 मई को जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उस दिन निफ्टी कैसे बिहेव करने वाली है उसका एक बहुत बहुत मेजर आइडिया आपको लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद एनालिसिस करें कि निफ्टी कैसे बिहेव करने वाली है, ये सारा वीडियो उसी के लिए बनाया गया। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए कोई भी अच्छी चीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो आज मैं आपसे आपका टाइम मांग रहा हूं, आप थोड़ा सा 10-15-20 मिनट इस वीडियो को दें, आप देखें समझें कि इस अंत तक आपको क्या चीज निकल के आ रही है, उसके बाद आप अपना एनालिसिस करें। आप खुद समझदार हैं, अपने टूल्स अवेलेबल है, अपने एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और फिर आप डिसीजन लीजिए। देखिए अगर आप देख सकते हैं कि अगर ये इलेक्शन बीजेपी के लिए किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उसको साउथ में एंट्री मिल जाएगी, साउथ में भी बीजेपी की कोई एंट्री नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिहाज से भी, क्योंकि कांग्रेस को बाकी जितने भी राज्य हैं वहां बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, बीजेपी को बहुत बड़े बहुमत मिलते जा रहे हैं, वो ईस्ट में चले गए हैं, वो हर तरफ चले गए हैं, बट साउथ में कांग्रेस ने जो अपनी सीट बरकरार रखी हुई है उसको बचा पाना कांग्रेस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बीजेपी को उस सीट को जीतना, ठीक है। तो दोस्तों कर्नाटका हर लिहाज से इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखते हैं कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट कर्नाटका में थंपिंग मेजोरिटी से जीत जाती है, बड़ा बहुमत, जैसे आज सुबह सुबह न्यूज चली तो ये दुलप्पा साहब कह रहे थे कि ये बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें लेके आने वाली है, ऐसी केसेस को हम थंपिंग मेजोरिटी कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा क्लियर मेजोरिटी मैंडेट आ जाती है कि गवर्नमेंट को किसी का साथ ही नहीं चाहिए बनाने के लिए, उसे हम थंपिंग मेजोरिटी कहेंगे। तो क्या हुआ, इसमें राज्यसभा के लिए बहुत अच्छी सीट्स उनको मिल जाती है, वो कानून बना पाएंगे, और जो गवर्नमेंट इन पावर है, जो बीजेपी गवर्नमेंट इन पावर में है, वो पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल लेवल पे इतना जबरदस्त मैसेज देने वाली है कि जो रिफॉर्म्स इस गवर्नमेंट ने, रिफॉर्म्स इन रिफॉर्म्स ऑफ GST, जिसके भी लोग फेवर में अनफेवर में है, ठीक है, इकोनॉमी जानती है कि वो किस वो फेवर में है या डिसफेवर में है, नोटबंदी हुई उनसे, और बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की गई है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, वॉर फ्रंट पे हो रही है,
तो जो पूरा वर्ल्ड है उनको जो देख रहा है कि इंडिया इज दी बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट एमर्जिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है, आज हम कुछ ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो चुके हैं, वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज में से हम आते हैं, जबकि फास्टेस्ट टॉप 3 में हमारा नाम आता है, ठीक है। तो हम अगर आज फास्टेस्ट में हैं तो किस वजह से हैं, एक गवर्नमेंट उसका आईना होती है, अगर एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लोकसभा राज्यसभा में मिलती है FIs को, तो वो उस देश में पैसा लगाना चाहते हैं, और जब FIs का पैसा आपके देश में आता है तो आपकी तरक्की निश्चित है दोस्तों। ये मेरा मानना है, ये मेरा पसंद मानना है, आप इससे सहमत हो या ना हो आपकी मर्जी है। अब जरा सा हम टेक्निकली हम देखने की कोशिश करें कि निफ्टी की कैसे बिहेव करिए। देखो दोस्तों, बहुत कमाल का इंडिकेटर होता है फिबोनाची इंडिकेटर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर हम यूज करते हैं चार्ट पे, वो क्या कह रहा है कि निफ्टी कैसे बिहेव करती है। देखो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ये देखिए, ये यहाँ पे जो निफ्टी का जो पुराना हाई है 11,180 रुपये, 181,90 के आसपास का निफ्टी का पुराना हाई है, अगर वहां से निफ्टी ने रिट्रेसमेंट किया था तो निफ्टी ने यहाँ 9,968 का लो लगाया था, 9,951.50 के आसपास का लो था, एग्जैक्ट फिगर देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग है, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट जब नीचे डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो वो 11,200 के आसपास के लेवल से बड़ा गिरता हुआ 9,950 के लेवल के आसपास आ गया। अब यहीं अगर लोगों से फिबोनाची की रिट्रेसमेंट की आप देखेंगे तो कमाल है, हैरान हो जाएंगे आप। देखिए कि बाजार कैसे चल रहा है, बाजार एग्जैक्टली उन लेवल से चल रहा है, 9,962 का लो लगाने के बाद बाजार 10,162 के आसपास काफी दिन टिका रहा, जो 0.23% रिट्रेसमेंट था नीचे से। उसके बाद 211 पे बाजार ने बहुत दिन होल्ड किया, जिसको ब्रेकआउट किया। आप देखिए ग्रीन कैंडल्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिर्फ बाइंग है, बाजार ने एक बार भी सेलिंग नहीं दी है बिल्कुल भी, ठीक है। और ये आप नीचे डेट देख सकते हैं, 23 मार्च के बाद की बात है, ठीक है, ये 23 मार्च की बात है जब हमारा बजट आ गया था। बजट के बाद हमने लो लगाया था, क्योंकि बाजार ने बजट को बिल्कुल वेलकम नहीं किया था, वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बाजार ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, और बाजार वहां से कम 10% के आसपास ऊपर से फॉल हो गया था। 10% का फॉल होने के बाद जो बाजार ने रिट्रेस करना स्टार्ट किया, वापस चलना स्टार्ट किया, 10,162 पे उन्होंने पड़ाव लगाया, 10,211.60 जो बाजार के जानकार हैं देख सकते हैं ये लेवल कितने सटीक लेवल है। उसके बाद बाजार ने 326 के आसपास 300 के आसपास बाजार ने ब्रेक लिया, उसके बाद बाजार 450 पौने 500 500 486 के आसपास बाजार का है। अब पिछले ही महीने 629 के आसपास बाजार 600 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जैसे ही 629 को रखे है बॉस, अब देखिए कितना कमाल का लेवल है, 629 के बाद सीधा 811 जो कल निफ्टी ने हाई बनाया 11 मई का, और 811 के बाद अगर रिट्रेसमेंट अगर जारी रहता है तो फिगर आपके सामने है दोस्तों 11,335, मतलब पुराना हाई भी टूट सकता है ना, हैरान कर देने वाली बातें। मतलब आपको बीच में भी लेवल ही नहीं दिखाई देता है फिबोनाची को, अगर जिस तरीके से फिबोनाची रिट्रेस कर रही है, ठीक है, ये इंडिकेटर आपको साफ साफ कह रहा है कि 11,335 तक जा सकता है। मेरा इस कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पोजिशन मेरी कैसे बना लें, ठीक है, पहले आप समझे, अपने एनलिस्ट से पूछें, अपने एक्सपर्ट से पूछें, अपने ब्रोकर से पूछें, उसके बाद ही पोजीशन बनाएं। ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है, जो मुझे लग रहा है मैं यहाँ सामने रख रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसमें अपनी पोजीशन बना लें। तो आप देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि अगर रिट्रेसमेंट जो सजेस्ट कर रही है वो कहती है कि बता 11,200 लेवल हायर साइड पे जा सकता है, इसका मतलब क्या है। अगर देखिए गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट अगर सरकार बनाने में कामयाब होती है कर्नाटका में, तो सीधी सीधी बात है जो FIs है उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा इंडियन ग्रोथ स्टोरी के अंदर में, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पैसा लगा रहे हैं उसमें वो फ्रेश कैपिटल इंफ्यूज करेंगे, फ्रेश पैसा आएगा बाजार में, तो बाजार कहाँ से कहाँ चला जाएगा अगले आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर में, जब बजट से 1 महीने बाद बाजार इतना खराब हो गया था, 10% करेक्शन आ गई थी। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे इतनी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ एक क्लियर मैंडेट गवर्नमेंट को मिल जाता है और FIs को वो ग्लोबली लेवल पे ये मैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई हम 2019 के इलेक्शन में भी हम पूरी ताकत झोंक देंगे जैसा हम यहाँ कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि जो बाजार है नए से नए हाई बना देगा आने वाले 1 से 2 महीने में। अब दोस्तों देखिए, ये तो रही पॉजिटिव बात है, हम थोड़ा सा नेगेटिव की बात करने की कोशिश करते हैं। बाजार नीचे में सपोर्ट कहाँ ले रहा है, बाजार 10,700 और 10,500 के लेवल्स पे सपोर्ट दे रहा है। जो लोग एनालिसिस करते हैं, जो लोग चार्ट देखना जानते हैं वो देख सकते हैं, निफ्टी ऑप्शन चार्ट आप खोल लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि कल आप देखेंगे तो 12.5-13 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 10,700 के पुट के ऊपर, जो अपने आप में एक बिल्कुल बहुत बड़ी फिगर है। 10,500 से जो सपोर्ट को शिफ्ट करके 10,700 पे लेके आए हैं, कल 10,800 को क्रॉस कर दिया गया, जिसके बाद जो लेवल है वो फिबोनाची से आप देख सकते हैं। अगर 10,700-10,500 अगर कोई गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, बीजेपी ये हार जाती है और बुरी तरीके से हार जाती है, कांग्रेस ही रिटेन कर जाती है या कोई और पार्टी बना लेती है, क्या होगा वो तो रिजल्ट आने 15 तारीख को पता लग जाएगा। तो भगवान भरोसे है बाजार, बाजार ने अगर इस न्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप ये मान के चलिए सेमीफाइनल है 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले। यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया नी जर्क, मतलब घुटने तोड़ देने वाला रिएक्शन भी हो सकता है, बाजार यहाँ से औंधे मुंह गिर सकता है। ब्लैक मंडे ब्लैक फ्राइडे भूल चुके हैं, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, फिर से दोबारा ब्लैक ट्यूजडे हो जाए अगर बाजार में बाजार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो। इसलिए उसमें क्या होगा, जो DIIs FIs हैं
ठीक है, वो सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। उनको लगता है कि भैया जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो इस गवर्नमेंट में पैसा, इस कंट्री में पैसा लगाने का फायदा क्या है, तो वहां से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। होगा या नहीं होगा वो तो 15 तारीख के बाद पता लगने वाला है, ठीक है। तो जैसे हम 5-7% का अपफॉल देख सॉरी राइज देख रहे हैं, तो बाजार में 5 से लेके 8-10% तक की फॉल भी आ सकती है, आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा आएगी, मैं कह रहा आ सकती है। हमारे जो FIs हैं हमारी ग्रोथ स्टोरी में से उनका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने पूरे देश ग्रोथ स्टोरी के ऊपर इतने बड़े बड़े भाषण दिए हैं, इतनी बड़े बड़े प्रोमिसेस किए हैं कि आइए हमारे देश में पैसा लगाइए, जगह जगह कितने सारे सेक्टर्स हैं जिसमें 100% FDI अप्रूवल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है दोस्तों, 100% FDI आप सोच सकते हैं। अगर वो भी ऑटोमेटिक रूप से, वहां पे आपको RBI और गवर्नमेंट की परमिशन लेनी चाहिए, तो क्या अगर मान लो किसी देश की गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, तो क्या कोई FIs, DIs उसे पैसा लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। तो मार्केट में जो मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है दोस्तों वो ड्रास्टिकली चेंज हो सकते हैं, तो आपको अब सोच समझ के करना है दोस्तों। इससे बढ़ने से इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हम जो क्या कहते हैं ये बाजार में कैसे चीजें रिएक्ट करने वाली है, इसके ऊपर मैंने कुछ और डेटा बनाया है। मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो को आखिर तक आप देखिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा एक फिगर ले लेते हैं कि पहले आज तक क्या हुआ है, अगर हम कर्नाटक को इतना बड़ा क्यों मान रहे हैं, इतना हुआ क्यों बना के रखा हुआ है। अगर हम कुछ ऐसे स्टैट्स को डिस्कस कर पाए, जब हमें ये पता लग जाए कि क्या पहले स्टेट इलेक्शंस में अगर ऐसा कभी हुआ है कि बाजार में बहुत बड़ी उठापटक हुई है, तो हम एक थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ इस इलेक्शन में भी कुछ उठापटक तो होने की उम्मीद है, ठीक है दोस्तों, मानते हैं। चलिए हम एक डेटा कंपाइल, मैंने एक डेटा कंपाइल किया है जो नेट पे सब अवेलेबल है, आप भी कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है 2014 के इलेक्शन के बाद से, तब उसके बाद से आप ये हम देखेंगे कि बाजार ने उसको किस तरीके से रिएक्ट किया है। देखिए दोस्तों, एक ये डेटा आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें आप कॉलम देख सकते हैं, ये सेट है पहला कॉलम, उसके बाद ये रिजल्ट डेट है कब सेट्स में रिजल्ट आए। निफ्टी एक महीने पहले, रिजल्ट आने से एक महीने पहले निफ्टी ने कैसे बिहेव किया, सेंसेक्स ने उससे एक महीने पहले कैसे बिहेव किया, और रिजल्ट आने के एक महीने बाद निफ्टी और सेंसेक्स ने कैसे बिहेव किया। और यहाँ पे मैंने कोशिश की आंकड़ों को थोड़ा एक्यूरेट करने की, बट हो सकता है थोड़ा आसपास हो, उसके लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा ऊपर नीचे अगर फैक्ट्स हो तो। निफ्टी एक महीने पहले कहाँ थी और रिजल्ट के एक महीने बाद कहाँ बंद हुई, ठीक है। तो ये 2 महीने का बेसिकली पीरियड है। अब देखिए 5 स्टेट्स में 16 मई 2014 को इलेक्शन होते हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और तेलंगाना। सिक्किम यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों, माफी चाहूंगा। तेलंगाना 16 मई को हुए, निफ्टी एक महीने पहले 7.9% मूव किया, 7.9% एक महीने पहले, और सेंसेक्स ने 8.3% की ग्रोथ दी। वहीं रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद निफ्टी पॉजिटिव 4.6% और सेंसेक्स पॉजिटिव 4.4%। दोस्तों निफ्टी उन दिनों 6,742 पे चलती थी एक महीने पहले, और रिजल्ट आने के एक महीने बाद 7,565, मतलब रिजल्ट जो बाजार ने रिजल्ट को वेलकम किया, जो एक महीने पहले से वेलकम स्टार्ट हुआ था, वो वेलकम कंटिन्यू रहा और अच्छी खासी बढ़त दिखाई दी। आप हरियाणा देखिए दोस्तों, हरियाणा और महाराष्ट्र में 2 स्टेट्स में इलेक्शन हुए 19 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। निफ्टी एक महीने पहले 3% गिरी है, सेंसेक्स 2.5% के आसपास गिरा है, और रिजल्ट आने के बाद जब हरियाणा में भी वापस बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, ठीक है, आप देखिए उसके बाद निफ्टी 6.5% बढ़ी है और सेंसेक्स 6% बढ़ा हैरान कर देने वाली फिगर है। जहां 8,000 का लेवल निफ्टी का पहले हुआ था, वो 8,406 के आसपास चला गया। जम्मू कश्मीर और झारखंड में 2 स्टेट्स में इलेक्शन हुए 23 दिसंबर 2014 को। दोस्तों ये आंकड़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इस वीडियो को देखते रहिए, आपको ये आगे आगे और जबरदस्त स्टैट्स मिलने वाले हैं। आपका बस ये मन करेगा कि कैसे मंडे आए, कैसे ट्यूजडे आए, कैसे मंडे को पोजीशंस बनाऊं और ट्यूजडे को मैं उसका फायदा उठा लूं। जम्मू कश्मीर और झारखंड के इलेक्शन से एक महीने पहले निफ्टी 2.5% गिरी, सेंसेक्स 3% के आसपास गिरा, -2.9। उसके एक महीने बाद देखिए, जब झारखंड में भी बीजेपी का परचम लहरा गया, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का परचम लहरा गया, तो देखिए क्या स्वागत हुआ है, 5.9% निफ्टी तेज हुई है और 5.3% सेंसेक्स तेज हुआ है। दोस्तों 8,400 से 8,700 के लेवल निफ्टी ने परफॉर्म किया। अब बात करते हैं दिल्ली की, ये इलेक्शन सबको याद है, केजरीवाल साहब 10 फरवरी 2015 को जब इलेक्शन होते हैं, तो उससे एक महीने पहले निफ्टी 3.5% तेज होती है, 3.25% सेंसेक्स तेज होता है। उसके बाद भी निफ्टी बाजार ने पॉजिटिव मूव बना के रखा, 1.7% निफ्टी तेज हुई है और 1.25% के आसपास सेंसेक्स तेज हुआ। अब बात करते हैं बिहार की, जहां बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, 11 अगस्त 2015 दोस्तों, एक महीने पहले निफ्टी 2.6% माइनस बिहेव करती है, 2.7% सेंसेक्स ने बिहेव किया, और ये माइनस क्या कहते हैं जो दौर था, गिराई का दौर, ये गिरावट का दौर चलता रहा, और एक महीने बाद भी सेंसेक्स निफ्टी 2.7% गिरी है और सेंसेक्स 3.1% गिरा है। अब दोस्तों अगले 5 स्टेट्स की बात करते हैं हम, असम, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। ये इलेक्शन हुए 19 मई 2016 को, अभी 2 साल पहले,
ठीक है, हम मई में बैठे हैं और मई 2 साल पहले निफ्टी उससे पहले ये गिरी 1.7%, सेंसेक्स गिरा 1.6%, और उसके रिजल्ट आने के बाद दोस्तों निफ्टी ने 5.8% का जंप लिया और सेंसेक्स ने भी ये 5.8% का जंप लिया। दोस्तों ऐसे गोवा में देखिए, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे भी निफ्टी प्लस है 3.25% और सेंसेक्स प्लस है 4% के आसपास, और इलेक्शन के बाद भी 1.5% से 1.25% तक प्लस है। अब गुजरात की बात करते हैं, गुजरात इलेक्शन कोई भूल नहीं सकता, 18 दिसंबर 2017 बहुत ही रिसेंट चुनाव हुए थे, जब सुबह सुबह बाजार, अगर आपको याद हो, सिर्फ इतनी सी न्यूज फ्लैश हुई थी दोस्तों टीवी के ऊपर कि बीजेपी लीड नहीं कर रही है, कांग्रेस लीड कर रही है, कांग्रेस बाजार के अंदर में, तो सेंसेक्स का करीब 1000 पॉइंट और निफ्टी करीब 300 पॉइंट, 280 पॉइंट पहले 5 मिनट के अंदर लुढ़क गई थी दोस्तों। ठीक है, एक महीने पहले गुजरात में खाली गुजरात इलेक्शन से 1 महीने पहले 1% निफ्टी बढ़ी है और 0.8% के आसपास सेंसेक्स बढ़ा, बट रिजल्ट जब शाम तक क्लियर हो गया तो जो बाजार गिरा था वो पूरा पूरा बाजार कवर हो गया, और उसके 1 महीने बाद तक निफ्टी 4.1% बढ़ी है और सेंसेक्स 4.9%, और देखिए ये सिलसिला जारी है और बाजार ने 10,834 लगा दिया। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में भी इलेक्शन में 8 मार्च 2018 को बहुत रिसेंट है, जहां पे आप देखेंगे सेंसेक्स उससे पहले 3% गिरा हुआ था, निफ्टी भी 3% गिरी हुई थी। देखिए ये वो दौर है दोस्तों जो इलेक्शन जो बजट के आसपास का दौर था, बजट को मार्केट ने बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया, बजट में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया उसको बाजार ने बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया होगा, और बाजार ने नए लो लगाए। नए लो लगाने के बाद अभी कर्नाटका इलेक्शन 15 मई को आज है दोस्तों, आज 15 मई का वो दिन है जहां कर्नाटका में इलेक्शन है, जो बीजेपी की नाक के जो इज्जत का सवाल बन गया है कर्नाटका इलेक्शन। ठीक है, अगर वो इसको जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे कहना मुश्किल है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। पर देखिए दोस्तों, ये महीना स्टार्ट होने से पहले 1 महीने पहले 10,400 का पे जो निफ्टी हुआ करती, आज 10,812 निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 10,812 लगा चुकी है। 26 मार्च को निफ्टी ने लो लगाया था 9,960 का, और उसके बाद से लेके अभी तक 10,812 मतलब 8.5% की निफ्टी रिट्रेस कर चुके हैं, निफ्टी ने 8.5% की रैली दोस्तों ऑलरेडी दे चुकी है। अगर आप इस डेटा को बिलीव करने की कोशिश करें कि देखें जो पास में डेटा रहता है वही डेटा 1 महीने बाद तक चलता है, तो अगर गवर्नमेंट हार जाती है तो अगर जो अगर 8% निफ्टी चढ़ी है तो उसका 8% निफ्टी गिर भी जाए, और अगर गवर्नमेंट यहाँ बन जाती है बहुत थंपिंग मेजोरिटी से बन जाती है तो उसका 8% अभी बढ़ी है, 8% आगे भी बढ़ जाए, ऐसा सिर्फ हम समझ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए दोस्तों एक फैक्ट्स और आपके लिए लेके आया हूं मैं, निफ्टी ऑप्शन चेन, अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, देखिए आप मनी आप एनएससी की साइट पे जाएं, एनएससी की साइट पे आपको बड़े आराम से आपको ऑप्शन चेन का डाटा मिल जाएगा आपको, लेटेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा दोस्तों। अगर आप जो लोग ऑप्शन चेन इंटरेस्ट को देखना समझते हैं आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 10,700 पे 11 मई को 12,46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 12,46,000 का है, जबकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 10,500 के ऊपर, यह है 63 लाख का, और सेकंड हाईएस्ट है 47 लाख का 10,700 के ऊपर में। ठीक है, जो कल की डेट में 12,43,071 बड़ा है। दोस्तों देखिए मुझे नहीं मालूम आप इसको कैसे लेते हैं, पर मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस जब करने बैठता हूँ तो अगर मान लीजिए मैं इसको एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर समझने की कोशिश करता हूँ, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, बहुत से लोग समझते हैं कि अगर मान लीजिए कॉल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, कॉल्स में वॉल्यूम ज्यादा है तो बाजार तेज होगा, कुछ लोग समझते हैं पुट्स में वॉल्यूम ज्यादा है तो बाजार मंदा हो जाएगा, मैं इसको उल्टा समझता हूँ दोस्तों। मुझे क्या लगता है कि अगर मान लीजिए ये मैं इसको बहुत बारीकी से देख रहा हूँ, ये जो डिफरेंस देखिए यहाँ पे 4.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है पुट्स में और 3.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, और आप कॉल्स में देखेंगे तो 11,200 के आसपास में खाली 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, ये जो फिगर देखेंगे आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कॉल साइड में और ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइड, तो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कैश में बाइंग हो रही है और फ्यूचर में उसको हेज किया जा रहा है दोस्तों। फ्यूचर एंड ऑप्शन हेजिंग के लिए बने, सट्टा मारने के लिए बिल्कुल नहीं बने, मैं उसको आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर FIs क्या करते हैं, DIIs क्या करते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो क्या करते हैं कि जब आप वो कैश में बाइंग करते हैं उनको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है या सत्ताधारी सरकार वहां से जाने वाली है, अगर उनको लगता है बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव है या उनको लगता है उनके फेवर में बाजार आ सकता है तो कैश में इक्विटी बाइंग करते हैं और पुट को सेल करते चलते हैं। अब पुट सेल करने से पुट का वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है, तो पुट कॉल रेशियो यहाँ पे बढ़ती चली जाती है, कुछ लोगों को लगता है अगर हायर पुट कॉल रेशियो भी तो बाजार गिरने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हायर पुट कॉल रेशियो हो रही है तो इसका हेजिंग हो रही है, अगर बाजार में बाजार भी बढ़ रहा है पुटे भी बढ़ रही है तो सीधी सीधी बात है हेजिंग हो रही है, आपको इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं। इसी के लिए मैंने क्या किया था, इसको थोड़ा सा समराइज किया था आपके सामने,
ये दोस्तों पिछले कुछ दिनों का मैं आपको दिखाता हूँ डेटा, पिछले सिर्फ कुछ 4-5 दिनों का डेटा दिखा रहा हूँ। 4 मई को आप देखेंगे तो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट 4,32,000 के आसपास ऐड हुआ था, 12 लाख के आसपास पुट में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। 7 तारीख को दोस्तों कॉल में ओपन इंटरेस्ट गिरता है 7.5 लाख रुपए, जबकि 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट और ऐड हो जाता है पुट साइड में। 8 तारीख को दोस्तों खाली 10,000 का कॉल में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, जो मैं मेजर कॉल और पुट की बात कर रहा हूँ, जो मेजर है जैसे 11,300, 11,211, 111,000 की कॉल और 10,900 की कॉल, 10,800 की, 10,700 की कॉल, उसके बाद 10,600 लेके 10,000 तक की पुट की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत मेजर बहुत कॉमन की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 10,000 कॉल का ओपन इंटरेस्ट के बदले में 7,20,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है पुट्स के बीच में। वहीं कल की डाटा देखिए 11 मई का, वो भी बड़ा हैरान कर देने वाला है, वो आपके सामने है दोस्तों। मैंने अभी आपके सामने वो डेटा मैंने शेयर किया। दोस्तों एक और चीज़ देखिए, अब सबके सब कह रहे हैं कि बाजार में क्या हो रहा है। अगर हम ये चीज़ ये देखने की कोशिश करें कि बाजार में एक्चुअली हो क्या रहा है, FIIs बाइंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मनी कंट्रोल साइट पे जाइए, आप गूगल में टाइप कीजिए FIIs DIIs ट्रेडिंग एक्टिविटी। दोस्तों ये देखिए मई का आपको डेटा बिल्कुल सामने है, आप हैरान हो जाएंगे। हमें लग रहा है कि FIIs बाइंग कर रहे हैं, बाजार बढ़ रहा है, पर FIIs कहाँ बाइंग कर रहे हैं, FIIs तो टोटल सेलिंग कर रहे हैं। 2 मई को FIIs ने सेलिंग की 525 करोड़ की, 3 मई को 148 करोड़ की, 4 मई को 1628 करोड़ की, 7 मई को 635 करोड़ की, और ऐसे ऐसे कल 11 मई को 325 करोड़ की। बहुत बड़े फिगर्स नहीं, बट हाँ फिगर्स बड़ी हैं। वहीं विज़ DIIs नहीं, ये देखिए DIIs डोमेस्टिक, इनकी जहाँ 4,429 करोड़ की सेलिंग FIIs ने मई महीने में की है अभी तक, वहीं DIIs ने नेट बाइंग करी है। तो मतलब जो बाजार में बाइंग इक्विटी में हो रही है वो FIIs नहीं कर रहे हैं, FIIs माल बेच रहे हैं और DIIs खाली माल खरीद रहे हैं। तो ये FIIs बहुत ही चौकन्ने हैं। आप नीचे का डाटा देखिए दोस्तों, अप्रैल महीने का FIIs ने सेलिंग की 9,620 करोड़ की, वहीं DIIs ने बाइंग की 8,663 करोड़ की। मार्च महीने में FIIs ने बाइंग की थी 7,900 करोड़ की, जबकि DIIs ने बाइंग की थी 6,693 करोड़ की। और वहीं फरवरी महीने में 18,600 करोड़ की सेलिंग करी FIIs ने, वहीं DIIs ने बाइंग की थी 17,813 करोड़ की। तो दोस्तों ये बहुत क्लियर सी चीज है कि FIIs ध्यान दे रहे हैं इस इलेक्शन के ऊपर, वो जब तक अपना नया पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं जब तक उनको ये नहीं पता लग जाए कि यहाँ गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है। ये एक ट्रेलर है, सेमीफाइनल है अपना जनरल इलेक्शन 2019 के लिए। तो जैसे ही कल रिजल्ट आएगा शाम को, मंगलवार को, 15 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा और ये पता लगेगा कि सरकार किसकी बन रही है, ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, उसके बाद शायद मुझे लगता है दोस्तों, मेरा अनुमान है, एक्सपर्ट्स का भी अनुमान है कि FIIs की बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। FIIs की बाइंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, आप समझ सकते हैं जब जब FIIs बाइंग करते हैं तो बाजार बहुत तेजी से बढ़ता है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का जितना मटेरियल है, जितना डेटा है, आपको शायद वो पसंद आया होगा, और ये वीडियो शायद आपको सोमवार को, अगर आपने अभी तक कॉल नहीं ली है, कॉल मतलब आपने पोजीशन नहीं बनाई है, तो शायद पोजीशन बनाने में आपकी हेल्प करें, और मंगलवार को उम्मीद करता हूँ आप पोजीशंस को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहें, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड बाय।